प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो दोबारा हम यही उम्मीद जाहिर करते हैं कि वही बने। पूर्णिया सांसद को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। पूर्णिया का विकास हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी पहले से प्रधानमंत्री है, किनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? दोनों घटा किसी और को बना लेगा वो डिग रहे, इनको बनाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं अमित सिंह। अभी हम पूर्णिया के लाइन बाजार में जानेंगे आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता का मूड। इसी साथ हम एक भैया हैं जो नाश्ता कर रहे हैं। भैया बताइएगा कि पूर्णिया के सांसद कौन है, जान रहे हैं? नहीं जान रहे। आपका नाम? मेरा नाम अली राजा। घर कहाँ आपका? यहाँ खजांची और झंडा चौक। बीते 5 वर्षों में पूर्णिया का विकास हुआ? हम लोग का बगल का रोड है झंडा चौक, जो गोलम्बर है उसका बगल से रोड गया तो पूरा इतना पानी लगता है, रोड कहाँ बना हुआ। तो विकास हुआ है? विकास हमारे नज़र में कुछ नहीं हुआ। तो फिर वही सांसद आएंगे वोट मांगने तो क्या कीजिएगा? जब इलेक्शन में समय आएगा तब देखा जाएगा। आप तो इलेक्शन आने वाला है, जब आएगा तब ना। अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी पहले से प्रधानमंत्री है, किनको प्रधानमंत्री बनना चाहिए? दोनों घटा किसी और को बना लेगा वो ठीक रहेगा, इनको बनाना चाहिए। दोनों कहाँ कोई काम करता है? अच्छा, प्रधानमंत्री है तो उसको करवाना चाहिए। नीतीश कुमार तो अपना बिहार का ना है, प्रधानमंत्री तो पूरा इंडिया का ना है। अच्छा आदमी हो सकता है प्रधानमंत्री के लिए? प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री और कोई दूसरा बन जाएगा वो ठीक है। अच्छा बताइएगा कि सांसद पूर्णिया कौन है, जान रहे हैं? कुशवाहा जी हैं। क्या पूर्णिया का विकास हुआ है? कहाँ कुंती हो रहा है, नाला भी नहीं बन रहा है, समुचा पानी रोड पर लगा हुआ रहता है, उसके बाद गली गुच्छी में कब झाड़ू मारता है तो वहाँ कूड़ा छोड़ देता है, कुछ कहाँ कुंती होता है, कुछ नहीं। किस पार्टी से सांसद हैं अभी? हम इसमें वोट देना, जैसे वोट उनको दिए कुछ नहीं हुआ, उनको दिए वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार किसको वोट मिले, फिर मिलेगा सांसद को वोट? उम्मीद कम में है सर, उम्मीद कम है। अभी हम पूर्णिया के लाइन बाजार में हैं और जानेंगे आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में कि यहाँ के लोगों का क्या मूड है, किनको पसंद करती है किनको नहीं पसंद करती है। पूर्णिया सांसद का नाम जान रहे हैं? जानते हैं। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? हुआ है, लेकिन जैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं हुआ है। सांसद की कार्यशैली से संतुष्ट हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग आज तक इतना हो गया, मार्केट में अच्छी तरह से लाइट रहता है ना, स्ट्रीट लाइट दिया हुआ कुछ भी नहीं है। तो क्या इस बार फिर लोकसभा चुनाव 2024 होने वाला है तो बदलाव होगा क्या? बिल्कुल बदलाव होगा, और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार जी दावेदारी करने वाले हैं तो कौन सा चेहरा अच्छा होगा? लेकिन नीतीश कुमार जी के तो उनका पता नहीं चलता है, कभी इसमें रहते हैं कभी उसमें रहते हैं। यही आदमी जो कस्टमर जितने भी आदमी हैं जनता, वो समझ में नहीं आ रहा नीतीश कुमार को दें या नरेंद्र मोदी को। हम तो हमेशा बीजेपी को ध्यान देते हैं, बीजेपी में जो आया हम तो पहला नंबर लाएंगे नरेंद्र मोदी जी को, वो लाएंगे क्योंकि वो विकास पूरा भारत में किए हैं, आने वाला दिन भी वो करेंगे, बहुत बढ़िया करेंगे। नाम बताएंगे? मेरा नाम मन्नू चौहान। इसी बीच कुछ युवा हैं हमारे साथ लाइन बाजार में, हम हैं और जानेंगे कि सांसद को पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं। पूर्णिया सांसद को पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। पूर्णिया का विकास हुआ? विकास कुछ भी नहीं हुआ है, विकास। फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है? हाँ चुनाव होने वाला तो है, ये हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हम लोग चुनाव में जो हम लोग के लिए करेंगे, जो करते हुए आए हैं, जो हम लोग चुने हैं उनको, तो हम लोग इस नीतीश कुमार को ही वोट देंगे। और कहीं ना कहीं चुनाव में लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुनाव का नतीजा आएगा, नीतीश कुमार भी दावेदारी कर रहे हैं और इस तरफ नरेंद्र मोदी है, क्या लगता है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी वर्सेस ये चुनाव है तो कौन फिर पुनः प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री तो यही कहेंगे, हम लोग फुल सपोर्ट करेंगे नीतीश कुमार को, फुल सपोर्ट। हमको ये लगता है जो युवा बनेंगे तो ये होंगे विजेता, तो नीतीश कुमार आएगा, उसमें कौन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसमें तो यही है नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी है ना हमारा जी जी, तो पुनः कौन बनेगा? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा अच्छा काम किए हैं नरेंद्र मोदी जी ने, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो दोबारा हम यही उम्मीद जाहिर करते हैं कि वही बने, क्योंकि देश के अच्छे काम कर रहे हैं हमारे, बहुत सारे लोगों को नौकरियां दी हैं, बहुत सारे विकास किया है, बहुत सारे लोगों की जो है भलाई की है, तो हर तरह से जो है काम कर रहे हैं, तो हम उससे उम्मीद यही कर रहे हैं कि और ज्यादा से ज्यादा काम करें। लोग जो स्टूडेंट थे, जो मैट्रिक इंटर वाले लोग थे, उनमें बोला जीतने के बाद कि हम लैपटॉप देंगे,
ये देंगे वो देंगे, तो ये सारा सारी झूठी हुआ, कोई को कुछ नहीं मिला। लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो खुद से अपने से दान किए, गरीब के बच्चे लोगों को लैपटॉप दिए, ये दिए वो दिए। लेकिन चुनाव में महागठबंधन या बीजेपी को समर्थन जाएगा लोगों का? देखिए, हम तो जानते हैं कि नीतीश, ये मोदी जी जो है चुनाव में है तो वो है, करते भी हैं, लेकिन यही कहेंगे जो अच्छा करेगा उसी के ऊपर ये अंगूठा जाएगा। ठीक, क्या नाम है आपका? इंद्रदीप कुमार यादव। पूर्णिया सांसद के नाम जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्या नाम? बोलिए। संतोष कुशवाहा। आपके क्षेत्र में घूमने आते हैं चुनाव के बाद? नहीं, घूमने तो नहीं गए हैं चुनाव के बाद। कुछ विकास किए हैं? विकास तो हो रहा है। सही सही बताइए, चुनाव के समय जब आए थे तो क्या क्या वादा किए थे? तो चुनाव के बाद तो भेटे नहीं हुआ है तो वादा हम क्या बताएं। विकास हुआ है सांसद के? तो रोड उड बन रहा है बस। तो इस बार क्या फिर समर्थन जाएगा? अभी नहीं बता सकते हैं। महागठबंधन और बीजेपी किसको दीजिएगा इस बार समर्थन? हम लोग महागठबंधन में हैं। ठीक है, इसी बार बीच एक और है शख्स जहाँ बताएंगे। क्या लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024? अभी सांसद का क्या नाम है? संतोष कुशवाहा है। तो संतोष कुशवाहा के कार्यशैली से संतुष्ट हैं? थोड़ा बहुत है। इस बार फिर उन्हीं समर्थन मिलेगा? अब किसको मिलेगा तो नेता लोग से बता सकते हैं। अभी महागठबंधन है और एक तरफ बीजेपी है, तो कहाँ समर्थन जाएगा लोगों का? अब लोगों का जहाँ जाए आपका समर्थन? मेरा तो महागठबंधन में है।